इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखे थे 5 विचित्र प्रकार के पक्षी, और अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाकर आप पहले पार्ट को देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना देर के वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 5, हूपो। हूपो एक काफी ज्यादा विचित्र दिखने वाला पक्षी होता है, जिसके सर पर खुद के पंखों का ताज होता है। यह अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। इसकी आबादी अभी तो काफी ज्यादा है, मगर धीरे धीरे घटती जा रही है। यह पक्षी मात्र 28 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका कलर ज्यादातर ऑरेंज ही होता है। हूपो भी ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। नंबर 4, एंडीन कॉक ऑफ द रॉक। यह पक्षी काफी ज्यादा विचित्र है और काफी ज्यादा दुर्लभ भी। यह दुर्लभ है इस वजह से इसकी जानकारी काफी कम है। यह साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसके सर पर एक कुबड़ उठा होता है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा शाही लगता है। इसमें भी मुख्य कलर ऑरेंज ही है। नंबर 3, सिल्की चिकन। यह चिकन ही है, मगर इसको क्रॉस ब्रीड करके ऐसा बनाया गया है। इसके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत और मखमली होते हैं। इस प्रजाति को खास तौर पर घर में पालने के लिए बनाया गया था। यह कई रंगों में पाई जाती है, जैसे कि सफेद, भूरा, काला और बैंगनी, मगर इनमें सबसे खूबसूरत सफेद कलर ही लगता है। नंबर 2, रीजियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज। यह खूबसूरत पक्षी न्यू गिना के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह इनकी खूबसूरती और खूबसूरत पंखों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। इस पक्षी की खासियत इसकी पूंछ होती है, जो कि काफी लंबी और काफी खूबसूरत होती है, और इसी वजह से इसका नाम बर्ड ऑफ पैराडाइज रखा गया है। नंबर 1, ब्लू फुटेड बूबीज। यह बूबीज काफी ज्यादा अजीब दिखते हैं, क्योंकि इनके पांव बिल्कुल नीले होते हैं। यह पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले छोटे छोटे टापुओं पर पाए जाते हैं। इनका मुख्य आहार भी समुद्र से जुड़ा होता है। यह ज्यादातर मछलियों को ही खाते हैं और उन्हीं पर निर्भर करते हैं। यह पक्षी जोड़ा बनाकर रहते हैं, और इनके घोंसले भी रेत के अंदर होते हैं। हाँ तो गाइस, यह थे वो 10 पक्षी जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत और विचित्र थे। तो मैं फरहान मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।